नमस्कार दोस्तों, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एमपी का रोजगार पंजीयन कैसे करते हैं, मध्य प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम खोलना है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी सरकारी रिजल्ट खोले लास्ट में डॉट कॉम अवश्य लगाए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी फेक वेबसाइटें आ चुकी है मार्केट में, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो सरकारी रिजल्ट खोलने के बाद आपको सीधा अपनी डिटेल्स वगैरह रीड करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन भी क्लिक करना है। अगर आपको रिन्यूअल करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड जान सकते हैं, अगर आपको किसी जिले से ट्रांसफर करना हो वो जान सकते हैं, अगर और कुछ अधिक जानकारी जाननी हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जान सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नया रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों ये लिंक खुल गया है। इसके बाद आपको अपने यहाँ नाम डालना है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट हो वो डाल देना है, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो वो डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना वो निकालना है, अपना यूज़र आईडी। जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं ये आपका यूनिक आईडी होना चाहिए, और ये नीचे अवेलेबिलिटी है, जैसे सपोज आप अपना डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, नहीं अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, ये नाम हमको अवेलेबल मिल गया। इस नाम को एक जगह नोट कर लेंगे और अपना एक पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपका यूनिक पासवर्ड हो आप उसको डाल देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है आपका, कैप्चा डाल के उसको आगे बढ़ जाएंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद पूरी डिटेल जानने के बाद दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है, इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। यहाँ आपको पूरी डिटेल इंटर करनी है, जो जो आपके पास डिटेल हो इंटर करनी है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अनूपपुर के लिए मैं कर रहा हूँ, अपना नाम मैंने डाल दिया, सरनेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ठीक, फादर नेम डाल दिया, दोबारा डाल दिया, ठीक, आधार कार्ड नंबर आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं। देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ है वो डिटेल आपको देना कंपलसरी है। यहाँ पे आपका एमपी का निवासी भी, अगर आप एमपी के निवासी नहीं है तो नॉन एमपी करके भी आप कर सकते हैं। यानी अगर आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एमपी के निवासी हो, अगर आप एमपी के निवासी नहीं है तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धर्म आप सिलेक्ट कर लिया, ठीक, सब कास्ट अगर आप है तो मैरिड है तो यस कीजिए, कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आप देना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट आप इम्प्लाई है नहीं है, स्टूडेंट है, जो भी आप हैं आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट डाल दिया। ग्रीन कार्ड ये सब एमपी के लिए है, गाँव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, पता आपको फिर डालना है, यहाँ आपको अपना पिन कोड डालना है, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पहले से मेरी पड़ी हुई है। यहाँ फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ये मस्ट है मोबाइल नंबर देना। दोस्तों यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको अपनी चेस्ट है, वेट है, हाइट है, सब कुछ, आई साइड आपकी कैसी है, स्पोर्ट्स में कुछ है, अब सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सबमिट करने के बाद आपकी ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इसलिए दोबारा कंफर्मेशन पूछता है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये अगला आपका ये क्वालिफिकेशन पेज खुल जाएगा, जैसे हाई स्कूल इंटर, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन आपको सब इसमें इंटर करनी है, मतलब आप क्लास 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन पूरा फुल डिटेल क्वालिफिकेशन। चलिए मैं अपनी 10th की डिटेल्स में इंटर करता हूँ, 10th कर लिया, सब्जेक्ट जो जो आपके है वो डाल दिया, मैथ सेलेक्ट कर लिया, हिंदी जनरल सेलेक्ट कर लिए, और सबमिट कर लिया मैंने। यहाँ आपका पासिंग ईयर हो गया, ठीक, गवर्नमेंट अप्रूव है, डिवीजन मैंने डाल दी, परसेंटेज डाल दिया, किस बोर्ड से आपने किया है ये पूछ रहा है, अगर आपका बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ नो कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग अदर स्टेट वाले हैं तो उनका बोर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो उनको नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना हाई स्कोर डिटेल डाला, पूरा डिटेल देखिए आ गया। यहाँ से आप इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपको, लेकिन ध्यान रहे मैंने कोई क्लास टेंथ डाला है, केवल आपको समझाने के लिए। आपको पूरा सारी डिटेल्स भरनी है, मतलब कि क्लास ट्वेल्थ भी भरना है, अपना ग्रेजुएशन भी भरना है, जहाँ तक आपकी हायर क्वालिफिकेशन हो सब भरना है। उसके बाद सेवन कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। सेवन कंटिन्यू करने के बाद आपका ये पेज एक्सपीरियंस वाले पे आ गया। यहाँ पे आपका कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो तो सब आप दे सकते हैं, नहीं है तो सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको पेज बंद कर देना है और दोबारा आपको सरकारी रिजल्ट के इस पेज पे जाना है। उसके बाद आपको है फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा कोड डालना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए कि आपका फॉर्म कम्प्लीट। आपको ध्यान दीजिए टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे वहाँ जाके जब सबमिट करेंगे वहाँ पे हो जाएगी। देखिए राम कुमार, ये देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया है। इसी के साथ ये रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। सरकारी लगातार खोलते रहिए नए नए वैकेंसी के फॉर्म, एडमिशन के फॉर्म, रिजल्ट, एडमिट कार्ड के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।